मर्दों को औरत में क्या पुरकशिश लगता है? क्या आपने ऐसी ख्वातीन देखी हैं जो खूबसूरत तो नहीं हैं लेकिन फिर भी मर्द उनके पीछे हैं? अक्सर ख्वातीन ये समझती हैं कि औरत की खूबसूरती ही सब कुछ है, क्योंकि ये बात वाज़े है कि औरत कितनी ही खूबसूरत हो फिर भी मर्द उन्हें छोड़ जाते हैं। इसलिए ये नोट करने वाली बात है कि जिस्मानी खूबसूरती फतह का वाहिद हथियार नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी, बेहतरीन लिबास और लवाजमात एक औरत को पुरकशिश नहीं बनाते, बल्कि शख्सियत के कुछ खसाइस भी हैं जो एक अच्छे जिस्म, जो एक हम आहंग चेहरे की तरह दिलकश हैं। इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एड्रियाना शावेज ने इन खसूसियात की निशानदेही की जो ख्वातीन की मदद कर सकती हैं और एक नॉर्मल औरत को पुरकशिश बना सकती है। सब्सक्राइब जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली खूबी, अच्छा मज़ा। तफरी और हंसने की सलाहियत मर्दों की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है, और ख़ास तौर पर अगर बात ख़वातीन की जाए तो जो तफरी और हंसने हंसाने में दिलचस्पी रखती हैं तो ऐसी औरत मर्द का पहला इंतखाब है। लिहाजा नाराज़ रहने और मुंह फुलाने की आदत छोड़ें अगर आपको भी किसी की नज़र में पुरकशिश रहना है। दूसरी खूबी, अच्छे से बातचीत। एक औरत लड़े बगैर या दिफाई बने बगैर अच्छे से बातचीत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है, बजाय ये कि बदतमीजी से पेश आया जाए या हर बात का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। लिहाजा ज़रूरी है कि दूसरों की राय के सामने जामे बनने या अपना दिफा करने की बजाय दूसरों का एहतराम करें और किसी के दिल में जगह बनाएं। तीसरी खूबी, फासला रखना। वो ख्वातीन जो मर्द से हर वक्त चिपकी ना रहे, मोहब्बत होने के बाद एक खास फासला रखे, मर्द के लिए दिलकश होती है। चौथी खूबी, नरमी। एक दिलकश औरत की और निसाई औरत की सबसे बड़ी खूबी उसका नरम मिजाज है। जो ख्वातीन किसी से नरमी से बात करती हैं या जिनका बर्ताव नरम है, मर्द के लिए ज़्यादा पुरकशिश मानी जाती है। ऐसी औरत बहुत प्यार करने वाली और बहुत मोहब्बत करने वाली हो सकती है। पांचवी खूबी, सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं। ये वो ख्वातीन होती हैं जो सब कुछ कर सकती हैं और उन्हें मुश्किल से ही किसी मर्द की ज़रूरत होती है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी ख्वातीन को लोग परफेक्ट नहीं मानते। लिहाजा अपने आप को वैसा ही रहने दें जैसी कि आप हैं, क्योंकि इस तरह कोई शख्स आपकी जानिब अगर खिंचा चला भी आए तो वापस पलट जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मर्दाना सिफात में शुमार होती है। छठी चीज़, अच्छी खुद एतमादी। कोई सर्जरी, कोई खुराक, कोई फिटनेस काबिल कदर नहीं है बनिस्बत खुद एतमादी के। अगर एक औरत पर एतमाद हो, लिहाजा अपने आप को चेक करें। अगर आप में एतमाद की कमी है तो इसे दूर करें। औरत का अपनी हिफाजत करना और खुद एतमाद होना मर्दों के लिए ऐसी औरत बेमिसाल है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।